अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों का खैर मकदम है। जैसा कि आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हमारी सोसाइटी ट्रिपल तलाक के क्राइसिस से गुजर रही है, बहुत ही कम लोग हैं जिसको इसके पीछे की हिकमत का पता है। लोगों को बहुत सी गलत फहमियां हैं ट्रिपल तलाक को लेकर। आइए शुरू करने से पहले हम लोग इन दो मुस्लिम खातून के नुक्ताए नजर को देख लें। कि तीन तलाक हम औरत को बोलेंगे और औरत झुक जाएगी तो हम झुकेंगे नहीं, हम ये मुसलमान धर्म को ही छोड़ देंगे। आज बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में, आपका क्या कहना है? देखिए, बिल पेश किया गया है, बिल के ड्राफ्टिंग के बारे में जैसी बात आ रही है कि जो बिल पेश किया गया है वो औरतों के खिलाफ जा रहा है। जो औरत आखिर सच क्या है? क्या इस्लाम औरत को आजादी नहीं देता? क्या तलाक सोसाइटी के लिए अभिशाप है? क्या आपको मालूम है कब, कहां और किन हालातों में तलाक दिया जाता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं दीन इस्लाम के बारे में और अपनी गलत फहमियों को दूर करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मोहतरम भाइयों, अफसोस की बात यह है कि इस मौजू पर इन लोगों को बोलने की हिम्मत इसलिए हुई है कि हम मुसलमानों ने इस्लाम की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है। इस्लाम की सही तालीमात पर अमल अगर किया जाए तो हमारे दुश्मनों को एक हर्फ भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, ये बताइए, तलाक का असर किस पर होता है? मर्द पर होता है या औरत पर होता है? हम में से हर शख्स का जवाब होगा औरत पर इसका असर होता है। मैं आपसे सवाल करूं, तलाक से कौन फायदे में रहता है, कौन नुकसान में रहता है? हम में से हर शख्स का जवाब होगा कि तलाक से मर्द फायदे में रहता है, तलाक से औरत नुकसान में रहती है। इसलिए कि तलाक के बाद मर्द एक और शादी करेगा, उसको जहेज और मिलेगा। औरत बेचारी की जब पहली मर्तबा निकाह नहीं हो सकता है तो दूसरी मर्तबा उसका निकाह कहां से हो सकता है? गोया कि मौजूदा मुस्लिम समाज साफ अल्फाज में यह कहता है कि तलाक से औरत हर हाल में खसारे में रहती है, मर्द को फायदे में रहता है। हालांकि अगर सही इस्लामी तालीमात पर अमल किया जाए, कुरान और हदीस की सही तालीमात पर अमल किया जाए, तो मैं कहता हूं तलाक के 100% औरत फायदे में रहती है, तलाक मर्द के लिए एक सजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसका तसव्वुर ही नहीं था कि कोई औरत किसी भी उम्र की हो, छोटी हो, अधेड़ उम्र की हो, बूढ़ी हो, इस्लामी समाज में किसी औरत का तसव्वुर ही नहीं था कि वो बगैर शौहर के हो सकती है। एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक, चार तलाक के बाद भी यकीनी होता था कि उस औरत का निकाह यकीनी तौर से हो जाएगा। हजरत आतिका इब्ने जैद, हजरत अबू बकर के बेटे ने उनसे शादी की। वो हजरत ताइफ में शहीद हो गए तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने शादी की। वो शहीद हो गए तो हजरत जुबैर इब्न अवाम ने शादी की। वो शहीद हो गए तो एक चौथे साहबी ने उनसे शादी की। वो शहीद हो गए तो पांचवें साहबी ने पैगाम दिया तो खातून ने बड़ा बड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं नहीं चाहती हूं कि आप भी शहीद हो जाएं। उनका नाम ही पड़ गया था ज़ौजतुश शुहदा। लोग कहते थे जिस शख्स को शहादत चाहिए वो इस औरत से शादी कर ले। एक खातून थी हजरत अस्मा इब्न उमैस, हजरत जाफर इब्न अबी तालिब की वो बीवी थी। वो शहीद हुए तो उनसे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शादी की। वो शहीद हुए तो हजरत अली ने उनसे उनसे शादी की। हजरत फातिमा बिन्त कैस को उनके शौहर ने तलाक दे दी। इद्दत पूरे होते ही उनके पास तीन रिश्ते आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो हाजिर हुई कि हुजूर, मेरे पास फला फला के रिश्ते आए हैं, आप बताइए मैं किससे रिश्ता करूं। उनमें से एक रिश्ता देने वाले हजरत मुआविया इब्न अबी सुफयान भी थे, बड़े जलील कदर सहाबी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम मेरा मशवरा मानते हो तो तुम उसामा बिन ज़ैद से शादी कर लो। हजरत फातिमा बिन्त कैस की उम्र अच्छी खासी थी, हजरत उसामा अभी नौजवान थे। उन्होंने खुद बयान किया है कि मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मेरा मशवरा मानती हो तो तुम चौथे से शादी कर लो।
उन्होंने हजरत उसामा से शादी की। बाद में वो ये बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ता देने की वजह से मेरा ये रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इतना आसान बनाया था, इतना आसान बनाया था, उस काम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। एक लड़की आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आप शादी कर लीजिए, आप खामोश रहते हैं। एक साहबी कहते हैं अल्लाह के रसूल आप नहीं चाहते तो आप इसका रिश्ता मुझसे कर दीजिए। हुजूर कहते हैं तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास तो कुछ नहीं है। नहीं कुछ तो होगा। नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ घर जाओ, जाओ देख के आओ, कुछ तो तुम्हारे पास होगा। वो वापस आते हैं कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे एक लोहे की अंगूठी तो होगी? अल्लाह के रसूल सल्लम मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास सिर्फ ये तहमंद है, अगर आप कहें तो आधा फाड़ के इसको मैं दे दूं। अल्लाह के रसूल सल्लम कहते हैं नहीं, जाओ तुम्हारा निकाह हो गया, इससे तुम्हारा मैं निकाह कहता हूँ। एक नौजवान आते हैं कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लम मैं पचना लगाने का काम करता हूँ। मुझको लोग हकारत की नज़र से देखते हैं, कोई मुझको रिश्ता देने पर तैयार नहीं है। आपने पूछा तुम किस खानदान से हो, तुम किस कबीले के हो? वो कहते हैं कि मैं फलां कबीले का मौली हूँ। हुजूर उस कबीले के सरदार को कहते हैं जाओ तुम उसके पास जाओ, उससे ये कहो कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है। वो जाता है उसी खानदान में उसका रिश्ता हो जाता है। मोहतरम भाइयों, निकाह को आसान बनाइए, तलाक का मसला कोई मसला ही नहीं रहेगा। हर तलाक के बाद औरत को मेहर मिलेगा। जय तलाक उसको होंगी तितना उसको मेहर मिलेगा, औरत मालदार होगी। जय तलाक होंगे मर्द को ये सजा है, इसलिए कि उसको अगली शादी करनी होगी तो उसको मेहर देना होगा, उसको अखराजात ये शौहर के बर्दाश्त करने होंगे। तलाक क्यों? तलाक इसलिए कि तलाक एक सामाजिक जरूरत है, तलाक एक इंसानी जरूरत है। दो लोग जब निकाह करते हैं मौत कोई जरूरी नहीं है कि उनके दरमियान हमाहंगी हो। अगर उनके दरमियान हमाहंगी नहीं है तो उनकी जिंदगी तो मुसीबत बन जाएगी। 20-25 साल की उम्र में शादी हुई है, अगर किसी शख्स की उम्र दबी उम्र 60 साल है, वो है कि 40 साल एक मर्द एक औरत अजाब की जिंदगी जिएंगे। इस्लाम इस तरह की अजाब की जिंदगी जीने पर मजबूर नहीं करता है। इस्लाम तलाक को एक समाजी जरूरत करार देता है। ये जरूरत इंसान की फितरी जरूरत है। जिन मजाहिब में इस फितरी जरूरत का एतबार नहीं किया गया था, वो मजाहिब के लोग भी मजबूर हुए हैं अपने निजाम में तलाक को शामिल करने के लिए। हिंदू मत में तलाक का कोई तसव्वुर नहीं था, उसमें तो ये सिखाया जाता था डोली जहां जाएगी वहीं से कब्र तक लोग पहुंचेंगे। ईसाइत में तो निकाह ही को गलत समझा जाता था, लोग जो लोग निकाह कर लें उनको ता हयात मर्द मियां बीवी के हिस्से से रहने का पाबंद किया जाता था। इन दोनों मजाहिब के लोग मजबूर हुए हैं कि अपने ऐसे कवानीन बनाएं जिनमें कि तलाक का ऑप्शन शामिल किया गया। इस्लाम तो निज़ाम रहमत है, इस्लाम ने मर्द औरत को ऑप्शन दिया है कि वो अगर मजबूर हों तो उनको एक साथ रहने पर पाबंद नहीं किया जा सकता है। वो जब चाहें तब आज़ाद कर लें। लड़की आज़ाद हो जाए वो निकाह कर ले, लड़का आज़ाद हो जाए वो अपने अपने अलग निकाह कर लें और पुरमसरत इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ये तलाक एक आखिरी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है साथ में रहने की। हम मुसलमानों ने उसको फर्स्ट ऑप्शन पे बना दिया है। निकाह हुआ, खटपट हुई, शौहर नामदार ने फौरन तलाक देना जरूरी समझा। एक तलाक नहीं, फौरन उन्होंने तीन तलाक देना जरूरी समझा। इस्लाम ने लास्ट ऑप्शन तलाक कर रखा था, हम मुसलमानों ने अपनी बदामाली से उसको फर्स्ट ऑप्शन पे बना दिया। तलाक कब दी जाए? इस्लाम के तसव्वुर तलाक के निजाम तलाक पर सोचे तो इस्लाम का निजाम तलाक भी रहमत है, मर्द के लिए रहमत है और उससे ज्यादा वो औरत के लिए रहमत है। इसके में स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है निकाह के बंधन में बंधते ही इस्लाम मर्द औरत को हुक्म देता है कि दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान सबसे कवी रिश्ता मैं देखता हूं कि वो निकाह का है। आप अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया है लहुन्न मिस्लुल लदी अलैहिन्न बिलमारूफ। चंद अल्फाज के मजमूए में पूरा इस्लाम का समाजी निजाम बयान कर दिया गया है। औरतों के हुकूक मर्दों पर हैं, ठीक उसी तरह हैं जैसे मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ताकीद की फसालिहातो कानितात।
نیک عورتیں جو ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں. کس کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت، شوہروں کی اطاعت. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ غیب میں پیٹھ پیچھے ان چیزوں کی حفاظت کرنے والے ہوتی ہیں جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کیا ہے. لیکن مرد عورتوں سے زیادہ قرآن نے، حدیث نے مردوں کو پابند کیا ہے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے. استوصوا بالنساء خیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جتنے حکام دیے معاشرتی، اس میں سے آپ نے بار بار فرمایا لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. قرآن میں وہ آشرو ہن بالمعروف، لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. فعین کرے تم ہن فاسا ان تک رہو شعین ویج اللہ فی خیر کثیرا. قرآن کی اس آیت میں کتنی مانگت پائی جاتی ہے، عورت کی ایک کمزوری تم کو بری لگے نہیں، دو کمزوری بری لگے نہیں، تین خامیاں عورت کی تم کو نظر آئے تو نہیں، عورت کا مکمل وجود تم کو ناپسند ہو تو بھی تم یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت خیر رکھا ہو. فعین کرے تم ہن، پورا وجود عورت کا اگر تم کو ناپسند کرتے ہو تو یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذات میں تمہارے لیے بہت کچھ خیر رکھا ہوگا. لیکن اسلام انسان کی نفسیات کی رعایت کرتا ہے، وہ انسان کو مجبور نہیں کرتا ہے. اس لیے قرآن چھوڑ دیتا ہے کہ اگر عورتیں سرکش ہوں، کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ عورت اس کے سامنے اپنے آپ کو پری بن کے رہے، اکڑ پھوں دکھائے، اس کی بات نہ سنیں، شوہر کچھ کہے معروف میں اور عورت کہے میں نہیں سنوں گی تم چاہے جو کر لو، کوئی مرد اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر عورت اکڑ پھوں دکھائے تو تم فوراً طلاق دے دو. قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تم ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، پیار محبت سے ان کو بتاؤ، فرد گرم بتاؤ، اچھا بلا ان کو سمجھاؤ. وہجروہن فی المزاج، اور ان کے بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ. بڑی لطیف تعبیر ہے، اس کا ترجمہ لوگوں نے صحیح نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیویوں سے الگ ہو جاؤ، اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں. اگر یہ ہوتا تو آپ سب لوگ عالم ہیں، اس میں کہا جاتا فہجروہن انل مزاج، ان نہیں ہے، فہجروہن فی المزاج، بستر میں رہتے ہوئے عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لو. ہم یہ انتہائی اہم نفسیاتی حکم ہے، عورت بستر میں شوہر برابر میں ہے، شوہر اس سے منہ پھیل لے عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، یہ عورت کے لیے بہت سخت یہ سزا ہے. اس کا مرد اس کے پاس موجود ہو پھر وہ اس سے اعراض کرے. لیکن اگر کوئی عورت اس کی سرکش ہے تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو مارو. فضرب ہننا، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہڈی توڑ دو، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا مارو کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے. حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مارنے کا مطلب ہے کہ تمہارے ہاتھ میں مسواک ہو اس کو مار دو. مارنے کا مطلب عورت کو جسمانی سزا دینا نہیں ہے، مارنے کا مطلب ہے عورت کو تنبیہ، عورت کو یہ اظہار کہ تمہاری حرکت مجھ کو ناگوار ہو رہی ہے. شریف عورت اس کو یقینی طور سے برداشت کر لے گی. گویا کہ یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. اگر اختلافات ہوں تو مرد عورت میاں بیوی دونوں تنہا اکیلے، حتیٰ کہ ان کے بیٹوں کو بھی، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ماں باپ کو بھی ان کی اطلاع نہ ہو کہ ان میں آپس میں کھٹ پٹ ہو رہی ہے. ایک کمرے کے اندر جس میں کہ بچوں کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کمرے کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ مرد عورت اپنے اپنے معاملات کو درست کر لیں. لیکن اگر اس پر بھی دونوں کے تعلقات درست نہیں ہو رہے ہیں تو قرآن تیسرا حکم دیتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَصُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. ایک حکم مرد کا ہو، ایک حکم عورت کا ہو، اگر دونوں میں اصلاح کی ذرا سی بھی رمق ہوگی تو اللہ تعالیٰ یقینی طور سے ان میں اصلاح پیدا کر دے گا. لیکن اگر دونوں کے خاندان بھی اکٹھا ہو کر یہ ان میں صلح صفائی نہیں کرا پاتے ہیں، اس کا مطلب اسلام سمجھتا ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی کی کوئی صورت نہیں ہے، تب اسلام اجازت دیتا ہے کہ مرد اس کو طلاق دے سکتا ہے. اب یہ میرا تیسرا موضوع آتا ہے کہ طلاق کیسے. اسلام نے طلاق کا جو حکم دیا ہے اتنا پاکیزہ ہے، اتنا رحم دل پر مبنی ہے، اور اس طریقے پر عمل کیا جائے تو طلاق وجود میں نہیں آئے گا. 99% طلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر طلاق دینے کے طریقے پر عمل کیا جائے. کتنی عجیب بات ہے، اسلام نے طلاق دینے کا طریقہ وہ بتایا ہے جس پر عمل کیا جائے تو کبھی طلاق وجود ہی میں نہیں آئے گی. قرآن کہتا ہے
सिर्फ एक तलाक दी जाए। अजीब बात है, हमें प्यास लगी हो, एक गिलास में हमारा प्यास बुझ जाए, हम 10 गिलास नहीं पीते हैं। चेहरे पे मक्खी बैठ जाए, हम हाथ से हिलाते हैं, हथौड़ी लेके चेहरे पे नहीं मारते हैं। जितनी जरूरत होती है उतना ही हम पूरा करते हैं। अगर औरत से अलीदगी एक तलाक से हो जाती है तो एक से ज्यादा का इंतकाब क्यों किया जाए? एक तलाक दीजिए, औरत हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। औरत कहीं भी शादी कर सकती है, आप कहीं भी शादी कर सकते हैं। कुरान ने कहा है एक तलाक दिए, कुरान ने कहा है पाकी की हालत में तलाक दी जाए। आमतौर से गुस्से औरत नापाकी की हालत में है, उससे जिनसे ताल्लुक हो नहीं पा रहा है। हो सकता है कि मर्द में कुछ चिड़चिड़ापन हो, औरत में चिड़चिड़ापन हो, उसकी वजह से उसने शौहर नामदार को कुछ कह दिया हो। कुरान कहता है पाकी की हालत में तलाक दी जाए। तलाक के बाद यह नहीं है कि शौहर साहब गुस्से में आ गए, उन्होंने तलाक दे के कहा तुम अपने घर जाओ नामुराद, तुमको तो मैं अपने साथ एक मिनट के लिए भी नहीं रख सकता हूं। कुरान कहता नहीं, औरत शौहर के घर में रहेगी, जेब व जीनत अख्तियार करेगी, शौहर को अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करेगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 महीने पूरे वो शौहर के घर में रहेगी, हर काम करेगी, सिर्फ उनके दरमियान जिनसी ताल्लुक नहीं होगा। इसका 3 महीने की मुद्दत बहुत बड़ी मुद्दत होती है। मर्द को भी अपने रवैये पर गौर करने का मौका मिलेगा, औरत को भी अपने रवैये पर गौर करने का मौका मिलेगा कि हो सकता है कि हमारी किसी बदतमीजी की वजह से शौहर साहब खफा हो गए हों। बहुत बड़ी मुद्दत होती है 3 महीने, इसका ऐन इम्कान है कि उनके दरमियान रुजू हो जाए। अगर 3 महीने में दोनों के दरमियान फिर मुआफ़क़त की बात हो गई है तो कुछ करने की जरूरत है। ज़बान से भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि ठीक है मैं तुमको मकबूल करता हूं, सिर्फ अमल, प्यार मोहब्बत की एक निगाह दोनों को फिर मियां बीवी की हैसियत से रहने की इजाजत देती है। लेकिन अगर इसका फायदा यह, अगर इद्दत मुकम्मल हो जाए तो दोनों आजाद हैं, लड़की जहां चाहे शादी कर ले, लड़का जहां शादी कर ले। इत्तफाक से दोनों की शादी नहीं हो पाई, 1 साल गुजर गए, 6 महीना गुजर गया, 2 साल गुजर गए, लड़का भी ने भी दूसरी शादी नहीं की है, लड़की ने भी दूसरी शादी नहीं की। कुरान याद देता है कि फिर दोनों मियां बीवी की हैसियत से रह सकते हैं, बस उनको दोबारा निकाह पढ़ाने की जरूरत होगी। निकाह के लिए 5 लाख रुपए खर्च करके दोबारा टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो मर्दों की मौजूदगी में दोनों इजाब कबूल कर रहे हैं, मौलवी साहब को पुराने की जरूरत नहीं है, उनको फीस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोबारा निकाह इजाब कबूल हो जाए, दो मर्दों की मौजूदगी में उनका दोबारा निकाह हो गया। और अहम बात यह है कि कुरान ही कहता है ये चांस 3 बार देगा, एक बार खटपट हुई, अलीदगी हो गई, 3 महीने गुजर गए, फिर उन्होंने रुजू कर लिया, फिर मियां बीवी की हैसियत से रहने लगे, फिर 2 साल 3 साल रहे, फिर उनमें किसी बात में खटपट हो गई, तो फिर इसी तरह का पूरा मरहला गुजरा है, फिर वो दोनों मियां बीवी की हैसियत से रहने लगे, फिर कभी 2-4-5 साल के बाद फिर उनमें खटपट हो गई, फिर तलाक की नौबत हो गई। अब कुरान कहता है ये तलाक बच्चों का खेल नहीं है, ये एक संजीदा अमल है, तुम ये बच्चों का खेल बना रखा है, इसलिए अब तुमको सजा दी जाती है कि तुम इस औरत से हमेशा के लिए महरूम हो गए हो। ये सजा किसको दी गई है? ये सजा औरत को नहीं दी गई है, इसलिए कि इस्लामी माशरा, इस्लामी तालीमात औरत को तो यकीनी दिलाती है कि उसका निकाह हर हाल में होकर रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत है कि कोई औरत खाली नहीं रह सकती है, उसका निकाह तो होकर रहेगा। मर्द को यह सजा दी गई है कि तुम बड़े नालायक हो, तुमने बार बार खेल बना रखा है तलाक को, अगर तुमने 3री बार तलाक दी है तो तुम हमेशा के लिए इस औरत से महरूम हो जाओगे। औरत को आजादी है कि वो जिससे चाहे निकाह कर ले, औरत ने किसी और से निकाह कर लिया, हादसात होते रहते हैं, तकदीर है, उस शौहर का इंतकाल हो गया, उस शौहर को भी किसी बात पे गुस्सा आ गया, उसने उसको तलाक दे दी। औरत को कुरान हक देता है कि वो तीसरा निकाह भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि दूसरे निकाह के बाद खत्म, औरत दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया या उसने तलाक दे दी तो औरत तीसरा निकाह भी कर सकती है। किससे? कुरान ने और फिर छूट दी है, औरत तीसरा निकाह कर सकती है किसी भी मर्द से और उस मर्द से भी। ये गोया कि तीसरे निकाह के बाद पहले शौहर से निकाह का हक देना ये औरत पर रहम है और मर्द की सजा की तख़फीफ है। उसको जितनी सजा देनी थी वो इस्लाम ने दे दी, वो कुरान ने दे दी कि उसको दूसरी शादी के वक्त उसको हक नहीं दिया, लेकिन जब उसके दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया तो औरत पर तो ये रहम है ही है,
इस्लाम ने पहले शौहर पर भी रहम किया है कि ठीक है तुम अगर अब चाहो, वो औरत भी चाहे, तो फिर तुम दोनों मियां बीवी की हैसियत से रह सकते हो। हम अंदाजा करें, इस्लाम का ये पूरा निज़ाम औरत के लिए रहमत, इस्लाम का ये पूरा निज़ाम मर्द के लिए रहमत, इस्लाम का ये पूरा निज़ाम दो खानदानों के लिए रहमत, लेकिन हम मुसलमानों ने अपनी बदामाली की वजह से इस निज़ाम रहमत को निज़ाम ज़हमत में तब्दील कर दिया है। क्या शौहर नामदार को गुस्सा आया, उन्होंने तलाक दे दी, कई तलाक, एक नहीं दी, दो नहीं दी, तीन तलाक दे दी, एक सांस में उन्होंने तीन तलाक दे दी। अब जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वो परेशान हुए कि अब क्या करें। मौली साहब के पास पहुंचे तो हम सब जानते हैं मशहूर इख्तलाफ है कि अगर कोई शख्स एक सांस में तीन तलाक दे दे तो वो क्या मानी जाएंगी, एक या तीन। हम सब जानते हैं कि हनफी हजरात के यहाँ तलाक तीन अगर किसी ने दे दी तो वो तीन मानी जाएगी। अलदीज़ हजरात, इमाम शाफी, अलदीज़ हजरात तो कहते हैं, अल्लामा इब्ने तैमिया, अल्लामा नकई और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कोई एक सांस में एक मजलिस में दे तो वो एक तलाक मानी जाएगी। मैं कहता हूँ तीन एक कोई मसला ही नहीं है। जो मर्द औरत को अपने साथ रखना ही नहीं चाहता है, उसने अगर तीन तलाक दी है, हमने कह दिया नहीं तीन नहीं हुई एक हुई, तो वो फिर तलाक दे देगा एक महीने के बाद। अगर उसके दिल में मुनाफरत पैदा हो गई है तो वो तो उसको हरगिज नहीं रखेगा। खानदान वालों ने दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, नहीं तीन नहीं हुई एक हुई है, दो इतने पांच बच्चे हैं, रख लो ये वो, हमने तीन को एक एक बना दिया है। शौहर के दिल में बीवी से नफरत है तो वो फिर तलाक देगा। तो गोया कि एक तीन का कोई मसला नहीं है। किसी ने तीन तलाक दी तो वो एक माँ मान लें या तीन मान लें, उसका कोई मसला नहीं है। ये एक मामूली फिकही जुजिया है। लेकिन मोहतरम भाइयों, मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ बगैर इस किसी कमेंट के कि मेरे नज़दीक क्या मसला है। तीन अगर कोई दे दे तो एक होगी या तीन होगी, मैं अपनी इस पर राय कोई मनी दे रहा हूँ। लेकिन मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ, तलाक किसके लिए रहमत थी, किसके लिए ज़हमत थी? तलाक जब ये कानून आया था, उसकी जितनी जुजियात कुरान में हदीस में बयान की गई थी, वो निज़ाम तलाक मर्द के लिए जहमत था, औरत के लिए वो रहमत था। मौजूदा दौर में ये तलाक का निज़ाम जो तीन तलाक को तीन मानना, ये औरत के लिए जहमत है, मर्द के लिए तो ये फ़ायदे का बाइस है। तो इस्लाम के बारे फ़िक्ह का एक जुजिया है, अहकाम जो हैं वो हालात के बदलने से भी बदल जाते हैं। तो हम तीन को आमतौर से तीन को तीन हम मानने पर इसरार करते हैं, लेकिन जिसने तलाक दे दी है गुस्से में, उसके पांच बच्चे हैं, वो तो रोता पीटता है कि नहीं मौली साहब कोई सूरत निकालिए। हम कहते हैं कोई सूरत नहीं है, तुमने तीन तलाक दे दी, बीवी हमेशा के लिए हराम हो गई। मौली साहब मेरे पांच बच्चे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, बीवी परेशान है, बच्चों का कौन होगा पालने वाला, आप कोई सूरत निकालिए। मौली साहब कई मरतबा के इनकार के बाद ये कहते हैं एक सूरत है, वो सूरत है कि तुम फला ये औरत से कहो कि वो किसी दूसरी से निकाह कर ले, दूसरा मर्द उसको तलाक दे दे, तब तुम्हारा इससे निकाह हो सकता है। गोया कि हमने शरीयत का हुक्म नहीं बताया है, बल्कि साथ ही हमने चोर दरवाजा बता दिया है। अफसोस होता है इस पर देख के कि ये उलमा नामनेहाद उलमा जो हैं वो ये बताते हैं तरीका कि हलाला का यह तरीका कैसे हो सकता है। फला आदमी है, मैं जानता हूं उसको, तुम जाके उससे मुलाकात कर लो। और कुछ जो और शेर होते हैं वो खुद ऑफर करते हैं कि मैं इस पर मैं तैयार हूं। लेन देन होता है, फीस होती है, बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन इसके हो चुके हैं। अखबार के लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किए हैं कि बाकायदा सौदेबाजी होती है, 5,000 से 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का मुतालबा किया जाता है। वो देखते हैं कि तीन तलाक देने वाला किस समाजी हैसियत का मालिक है। जाहिर है कि वो रिक्शा पुलर है, मजदूर है, तो वो कहीं से मारे बांधे 2-4 हजार रुपए ला सकता है। लेकिन अगर कोई साहिब हैसियत है तो वो ज्यादा, वो 10,000-20,000-50,000 का भी ला सकता है। इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं। कुछ साहब जो ज्यादा सफेद पोश होते हैं वो कहते हैं कि मैं एक पैसा नहीं लूंगा, मैं इस मदरसे का नाजिम हूं, आप मदरसे की रसीद आप कटवा लीजिए। ये सारे चोर दरवाजे हैं, हीले हैं। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानने वाला है। जो शख्स भी, या तो हम सिर्फ इस पर कह के खामोश हो जाएं कि तीन तलाक तीन हो गई है, अब वापसी की कोई सूरत नहीं है, जो शख्स भी ये हुक्म बता के हलाला का चोर दरवाजा खोलता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसको जवाब देना होगा। हदीस में बहुत सख्त अल्फाज आए हैं, लानल लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लिला लहू, अल्लाह ताला की लानत है
ایسے شخص پر جو یہ کام کرتا ہے اور ایسے شخص پر جو یہ کام کرواتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص واسطہ بنتا ہے وہ کتیس المستعار جیسے سانڈ ہوتا ہے, سانڈوں کا جس طرح ہوتا ہے جفتی کروانے کے لیے کرائے پہ اس زمانے میں ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت کتنی سخت وعید آئی ہے, اور افسوس ہوتا ہے اس چیز کا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سماج میں چلن ہے, لیکن اگر یہ 1% بھی سماج میں پایا جاتا ہے تو انہی واقعات کو بنیاد بنا کے ہمارے اسلام دشمن جو ہیں وہ اس کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں, قانون سازی کر رہے ہیں. ہم سب کے علم ہے ہندوستان کے ملک کے انتہائی ٹاپ کے دانشوروں نے قانون کیا بنایا ہے, اگر کوئی شخص 3 طلاق دے تو 1 بھی طلاق نہیں ہوگی, لیکن جب 1 بھی طلاق نہیں ہوئی ہے تو شوہر کو 3 سال جیل میں رہنا ہوگا. جو عمل ہوا ہی نہیں ہے, جس کا وجود ہی میں نہیں آیا ہے, اس کو سزا کیسی؟ اس کو 3 سال جیل میں رہنا ہوگا, اور ان 3 سال کی مدت میں بیوی بچوں کو خرچ دینا ہوگا. جب بیچارہ رکشہ کولر ہے, غریب آدمی ہے, یہ ہوا, جب 3 سال وہ جیل میں چلا گیا تو وہ بیوی بچوں کی کفالت کہاں سے کرے گا؟ یہ انتہائی دانشوروں نے, عقل مندوں نے اس طرح کا قانون بنایا ہے, اس پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے. اکا دکا واقعات پکڑ دھکڑ کے بھی ہو گئے ہیں. حقیقت میں جہاں سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی تھی وہیں پر میں ختم کرتا ہوں. اسلام کا نظام طلاق انسانیت کے لیے رحمت تھا, ہم مسلمانوں نے اپنی بے عملی سے اس کو زحمت بنا دیا ہے. اللہ تعالی ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.